हेलो फ्रेंड्स, सहारा निवेशक साथियों का हमारे एच टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 7 सितंबर 2017 में 15,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था कि 15,000 करोड़ रुपया सेवी विभाग के पास जमा करा जाए। लेकिन दोस्तों, 8 1/2 साल के बाद भी सहारा सुब्रत राय ने 15,000 करोड़ रुपया सेबी को जमा नहीं किया, जिसके फलस्वरूप आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा प्रमुख की एमबी वैली जो प्रॉपर्टी है, जी हाँ दोस्तों, इसकी नीलामी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर का प्लान पर मोहर लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी नीलामी टुकड़ों में की जाएगी और सभी निवेशक साथियों से हमारा अनुरोध है कि अब आपका वक्त बहुत करीब आ चुका है। बहुत जल्द ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि एमबी वैली से जितना पैसा सेवी विभाग कर के पास जाएगा, वो सारा पैसा आप लोगों के लिए ही होगा और आप लोगों को सेवी विभाग बहुत जल्दी कोई नई अपडेट देगा, जिसके लिए हम आपको सूचित करेंगे। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप निश्चित रहें, आपका पैसा बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को अपडेट करें, ताकि समय समय पर आपको हम सूचना देते रहें। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए सुना रहे थे क्योंकि इस वक्त निवेशकों ने एजेंटों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रखा है। दोस्तों, इसमें एजेंटों का कोई दोष नहीं है, दोस्त है सहारा सुब्रत राय का, क्योंकि उन्होंने अभी तक सेवी विभाग में 15,000 करोड़ रुपया जमा नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप 8 1/2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सहारा सुब्रत राय की एमबी वैली प्रॉपर्टी को बेचकर सभी निवेशकों का पैसा ब्याज सहित दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर यह न्यूज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।